गाय, इसके लिए सारी व्यवस्था रची गई है और भगवान ने पहले ही युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें सब कुछ अपने विराट स्वरूप से वह सब कुछ दर्शन दे करके अर्जुन को सब अवगत भी कराया। और अंत में संजय ने भी धृतराष्ट्र को यही बताया। जो लोग धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके हमेशा ये देखने का प्रयास स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि उनका स्वार्थ किसी की हित से भी ज्यादा बड़ा है, उन सब को वास्तव में दिव्य दृष्टि बहुत कुछ कह देती है। और दिव्य दृष्टि स्वरूप में कह देती है कि वास्तव में विजय किसको प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में पहले ही सबको सब कुछ अवगत करा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इस अवसर पर वास्तव में कर्तव्य के प्रति और वह भी निष्काम कर्म के प्रति व्यक्ति का आग्रही होना, हर व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर देना, हर फील्ड में जो जिस क्षेत्र में है वह अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वास्तव में वो भगवान का ही कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि गीता जयंती का एक कार्यक्रम, और मैं इसको अद्भुत संजोग भी मानता हूं, इसलिए हम सबके सामने आ पाया क्योंकि यह वर्ष गोरखपुर की गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष भी है। जून 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं इस कार्यक्रम में आगमन हुआ था, उद्घाटन वहां से शुरू हुआ था। वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे। 1923 में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने यहां स्थापित की थी। और वास्तव में इन 100 वर्षों की अपनी इस यात्रा के दौरान गीता प्रेस ने जो साहित्य के क्षेत्र में और खासतौर पर धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किए हैं वो बहुत अद्भुत है, अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा के केंद्र के रूप में यह अपने आप ही उन्हें आकर्षित कर देता है। कितना पवित्र कार्य हुआ, जितना बड़ा विराट कार्य हुआ है, धार्मिक साहित्य 100 करोड़ के आसपास छपना, अब तक छप जाना, यह अपने आप में, और मुझे लगता है अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो शताब्दी वर्ष में इसको पूरा गीता प्रेस जरूर करें कि 100 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक साहित्य, धार्मिक साहित्य छापना, इसको पूरा करना है। और इसको वहां तक ले जाने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में हम सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए, क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, हम लोग बातचीत करते हैं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं जब उनसे चर्चा होती है तो उनका एक आकर्षण का केंद्र इस बात को लेकर के भी होता है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हम गीता प्रेस से जुड़े हुए पुस्तक पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो ज्यादातर लोग कहते हैं हमारे यहां कल्याण आती है। कल्याण को आदि संपादक के रूप में सदे भाई जी ने किस नई ऊंचाई तक पहुंचाया था, ये दिव्य पुरुष थे, मानवीय रूप में हम सबके सामने आए थे, अपने अद्भुत लेखनी के माध्यम से उन्होंने कल्याण को जो नई ऊंचाइयां दी थी। घर घर में उस समय सब साधन नहीं थे, तब कल्याण पहुंच गया था, संचार के साधन नहीं थे, डाक व्यवस्था के माध्यम से घर घर पहुंच गई। और इसलिए आज जब संचार के साधन बेहतरीन हुए हैं, हम 5G में चले गए हैं, तकनीक उत्कृष्ट व्यवस्था आ चुकी है, हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ना होगा। और गीता प्रेस इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है, ये बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है, यह अत्यंत आनंददायी होता है। और गीता जयंती का यह कार्यक्रम हम सबके लिए
इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तीसरा, 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन ये दिव्य वाणी का प्रकटीकरण होता है। अब सोचिए, दुनिया के अंदर जितने आधुनिक सभ्यताएं हैं, 5000 साल पहले इनका अस्तित्व क्या रहा होगा? इनमें से एक भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में, और वह भी युद्ध के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों में हताशा होती है, निराशा होती है। लोग एक उस भाव से कि जो अर्जुन की स्थिति थी वह सामान्य मनुष्य की भी स्थिति होती है, लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाणी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत वाणी को वहां पर देते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अमर वाक्य बन करके लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और इसलिए एक सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता को यह मान्यता प्राप्त हुई है। आप देखते होंगे, कोई जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी जिस भाव के साथ गीता को पढ़ेगा उसने उसमें उस प्रकार का अपना भाष्य रच डाला, उसने उस प्रकार से उस ग्रंथ की रचना कर डाली। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, सात्विक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसका अध्ययन करेगा, राजसिक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसको देखेगा, तामसिक प्रकृति के व्यक्ति को भी उसमें कुछ तत्व तो प्राप्त होंगे। लेकिन गीता वास्तव में एक सार्वभौम ग्रंथ है जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में हम सबको शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करता रहेगा, और उस मार्गदर्शन के योग्य हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, और वह भी अपने कर्तव्यों का मतलब भगवान ने सकाम कर्म की बात नहीं की, निष्काम कर्म की बात की है, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेशो कदाचन के भाव के साथ। तो उस पवित्र भाव को अंगीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है दुनिया के सारी समस्या का समाधान अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर गीता प्रेस अपनी शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम के अवसर पर, यद्यपि हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम यहां पर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर यहां पर आयोजन होता है, और यह वर्ष शताब्दी वर्ष का गीता प्रेस का है, तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम और भी अद्भुत है, उत्तम है। और इस अवसर पर आप सबको यहां पर स्वामी नरहरिदास जी की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी ओर से, गोरखपीठ की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम गीता के उपदेशों का अक्सर से अंगीकार कर पाएंगे, और उसके माध्यम से न केवल स्वयं का बल्कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।